ये लीजिए, चाय पीजिए। जी धन्यवाद। वैसे ये विभु कहाँ चले गए? बस आते ही होंगे, दरअसल किसी काम से गए हैं। ये लीजिए। जी धन्यवाद। और बताइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस आप ही का सहारा है भाभी जी। जी मतलब आप जैसे पड़ोसी साथ में हैं तो बस यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तिवारी जी आप भी ना, आप बोलने में इतना क्यों शर्मा रहे हैं? जी भाभी जी अब क्या कहें, कुछ शर्म सी महसूस हो रही है। अरे तिवारी जी, शर्माती औरतें हैं, आप औरत हैं क्या? आपका गिफ्ट तो कुछ ऐसी सी ही फीलिंग दे रहा है। जी आपने कुछ कहा? जी नहीं नहीं भाभी जी, वो क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो गिफ्ट आपने मुझे भेजा है ये मेरे लिए ही है ना? अरे हाँ भाई, आपके लिए ही है। आपके लिए नहीं होगा तो क्या अंगूरी जी के लिए है? अच्छा आप ही के लिए है। अच्छा अच्छा धन्यवाद। तो क्या मैं इसे पहन लूँ? ऑफ कोर्स, दिस इज लेटेस्ट फैशन। अब आप ये बताइए, आप कब तक ये ढीले ढाले पैंट शर्ट पहनते रहेंगे? आपके लिए है, चेंज कीजिए, ग्रूम कीजिए अपने आप को। जी जी जरूर पहनूंगा, और आपको पहन के दिखाऊं? हाँ हाँ मुझे दिखाइए, पूरे मोहल्ले वालों को दिखाइए। अच्छा अच्छा मोहल्ले वालों को भी? ऑफ कोर्स, वो भी आपकी तारीफ करेंगे, वो भी देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर आप भी जरूर आइएगा। हैव अ नाइटी डे। नाइटी डे? मैम हैव अ नाइस डे। ओके ओके ऑलराइट बाय। धन्यवाद। भाभूती जी, भाभूती जी, भाभूती जी, भाभी जी, भाभूती जी नजर नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली वो बस अभी अभी तो बाहर गए। अच्छा चलो अच्छा हुआ जी। मतलब किसी शुभ कार्य के लिए ही गए होंगे? हाँ देखिए ना, किसी का फोन आया, किसी को बीमा कराना था तो बाहर चले गए। वैसे तिवारी जी आपका आना कैसे हुआ? वो क्या है कि अंगूरी मंदिर गई है तो 2-3 घंटे से पहले तो क्या लौटेगी, तो हम बोर हो रहे थे, वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके दर्शन कर ले। बहुत तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कोई देवी नहीं हूं जो आप मेरे दर्शन करेंगे। आप देवी नहीं, आप तो श्री देवी हैं। मतलब आप तो एकदम सुपर मॉडल लगती है। वैसे तिवारी जी आपने ना पुरानी यादें ताजा कर दी। मैं रियली अपने कॉलेज के जमाने में मॉडल थी। क्या बात कर रही हैं आप? या एक्चुअली मैंने बहुत सारे आर्ट्स किए हैं, जैसे वो घोड़ा छाप दंत मंजन। घोड़ा छाप दंत मंजन, जिसमें वो मॉडल घोड़े पर बैठकर आती है फिर उतरती है और कहती है कि बबलू हो या पप्पू, ज्ञानचंद हो या निरंजन, सबके दांतों को चमकाए घोड़ा छाप दंत मंजन। आपको तो पूरा ऐड याद है। बिल्कुल याद है भाभी जी, बल्कि वही ऐड देखकर तो हमने घर में कलर टेलीविजन लगवाया था। क्या बात कर रहे हैं। भाभी जी हम उस ऐड को उसी श्रद्धा से देखते थे जिस श्रद्धा से लोग रामायण और महाभारत देखते हैं। करती रहिए भाभी जी, करती रहिए। तिवारी जी आप बहुत बहुत अच्छा योगा करती हैं आप, करिए करिए। नहीं नहीं मेरा योगा हो गया। नहीं थोड़ी देर और कीजिए, थोड़ी देर और हमारी खातिर। नहीं नहीं मेरा योगा खत्म हो गया तिवारी जी। आपको कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम बहुत दुविधा में हैं। दुविधा में क्यों? वो भभूती जी के एक अंकिल हैं लंदन में, वो हमें 5 लाख का कच्छे बनियान का आर्डर देना चाहते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है लेकिन वो हमें लंदन बुला रहे हैं। ये तो उससे भी अच्छी बात है, आप लंदन घुमाएंगे। अच्छी बात तो है लेकिन हम कैसे रहेंगे आपके बिना? मेरे बिना? नहीं मतलब भभूती जी के बिना, अंगूरी के बिना, लड्डू के बिना कैसे रह पाएंगे? अरे तिवारी जी मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी,
कि काम में कभी भी इमोशंस को नहीं लाना चाहिए। काम का मामला है, आपको जरूर जाना चाहिए। वाह, क्या बात कही है भाभी जी, आपका आदेश सर आंखों पर। लेकिन भाभी जी, हमें वो लंदन के तौर तरीके नहीं पता, और ना ही कोई ऐसा है जो हमें सिखाए, तो अरे आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए तिवारी जी, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगी लंदन के तौर तरीके। क्या बात कर रही है भाभी जी, आप हमें सिखाएंगी भाभी जी? ऑफकोर्स, मैं आपकी रोज एक हफ्ते तक 3 घंटे क्लासेस लूंगी और आपको एक परफेक्ट इंग्लिशमैन बना दूंगी। 3 क्या, आप हमें 6 घंटे सिखाइए भाभी जी, 6 घंटे। मतलब अब हर रोज 6 घंटे भाभी जी का साथ रहेगा। हाँ तो टीचर जी, सबसे पहले आप हमें क्या सिखाएंगी? सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपको सिखाऊंगी वहां का एक्सेंट। जैसे आप कोई भी वर्ड बोलिए और मैं आपको उसका सही तलफ्फुज, आई मीन प्रोनंसिएशन करना सिखाऊंगी। जी तो आई लव यू बोल के दिखाए। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू जी। मतलब अभी जो अभी जो पहले बोल के बताया वो जरा दोबारा बताएं। सो अगेन, आई लव यू। चलिए शुरू करें। वाह भाभी जी वाह, ये साड़ी आप पे कितनी खूबसूरत लग रही है। जब भी हम आपको देखते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी भोजपुरी अभिनेता को ऑस्कर मिल गया हो। चलिए अब हम शुरू करें। जी, इसका तो कब से इंतजार था जी? नहीं मतलब लंदन जाने का कब से इंतजार था, मौका आज मिला है। तो बस फिर देर किस बात की है, मौके पे चौका लगा दीजिए जी। लेकिन भाभी जी, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? वो हमें बाल डांस नहीं आता, और सुना है कि लंदन में बाल डांस का बड़ा चलन है, बात बात पे लोग बाल डांस करते हैं। बाल डांस जी? लेकिन तिवारी जी, आप बॉल डांस सीख कर क्या करेंगे? नहीं, करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मान लो अगर भभूति जी के अंकल जी हमें किसी पार्टी में ले गए और वहां अगर किसी महिला ने हमें फोर्स किया बाल डांस करने के लिए और हम नहीं कर पाए, तो हमारी तो बड़ी फजीहत हो तो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने तिवारी जी, आपको देखकर पार्टी में कोई ना कोई लड़की जरूर बॉल डांस करने के लिए फोर्स कर सकती है। ये तो खुदा की देन है। चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ जी। आपने बाल बाल बचा लिया, आइए जी। तो सबसे पहले आपको अपना हाथ मेरे हाथ में देना है, ऐसे हाथ आगे कीजिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते तिवारी जी, कैसे हैं? अब क्या बताएं भाभी जी, हुस्न के गमले में इश्क का बीज बोया था, कमबख्ते कौआ आया और सब बर्बाद करके चला गया। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं आप? काश कि आपको समझ पाती जी। नहीं नहीं कुछ नहीं, कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? नहीं मतलब आजकल सब कैसा है, ठीक है? ओह हाँ, बस तिवारी जी सब ठीक चल रहा है। हाँ बताइए कैसे आना हुआ? हम तो बहुत परेशान हैं भाभी जी। अरे क्यों, क्या हुआ तिवारी जी, सब कुछ ठीक था? भाभी जी दरअसल हमारा एक दोस्त है, बिल्कुल भभूति जी की तरह। अच्छा, ओके। उसकी एक निहायत ही खूबसूरत बीवी है, बिल्कुल आपकी तरह। ओके। और उसका एक बहुत ही डैशिंग, बहुत ही हैंडसम पड़ोसी है, बिल्कुल हमारी तरह। अरे जी मुद्दे पे आइए ना। जी बस आ ही रहे हैं, दरअसल हमारे उस दोस्त की बीवी का किसी लड़के के साथ इश्क चल रहा है। ओहो, That's very bad. वैसे आपका ये दोस्त करता क्या? नल्ला है जी, बेकार है, कुछ नहीं करता। हाँ
तो एक्चुअली तिवारी जी, आपका दोस्त ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। अब आप ही बताइए, एक बीवी को अपने पति में क्या चाहिए? क्या चाहिए भाभी जी? यही कि उसका हस्बैंड कमाऊ हो, जिम्मेदार हो, उसकी जरूरतों को पूरा करे, उसे खुशियां दे, और क्या। बहुत सही कह रही है भाभी जी, बहुत सही कह रही है। एक्चुअली तिवारी जी, मेरा तो सजेशन ये है कि आप अपने दोस्त से कहिए कि वो अपने आप को मजबूत बनाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिर देखिए, उसकी वाइफ कहीं बाहर नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएंगे ना भाभी जी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। प्रॉमिस, मेरी कसम खाइए। अब तिवारी जी, किसी और की बीवी भागेगी या नहीं, इसकी कसम मैं कैसे खा सकती हूँ? नहीं नहीं, हम उस भाभी जी की बात कर रहे थे। ओह, मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन है, आप जरा वेट कीजिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जी। हाय जसवीर।